हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9A। मैं वसंत सर आप लोग को आज कंस्ट्रक्शन बतलाने जा रहा हूँ। आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स के साथ बैठें, मैं आपको वीडियो पोस्ट करूँगा। उस वीडियो को देख देख कर आप अपना कंस्ट्रक्शन पूरा करें। जो जो स्टेप है मैं स्टेप वाइज यहाँ बना रहा हूँ, इसी तरह आपको भी बनाना है। आप अपने किताब का एक्सरसाइज 13 निकाल ले। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, PQ एक सरल रेखाखंड खींचें जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इस सरल रेखाखंड का बहिस्थ यानी बाहर स्थित बिंदु A ले, यानी वो जो PQ सरल रेखाखंड खींचेंगे उसके बाहर एक बिंदु A लेंगे। बिंदु A से PQ के समानांतर एक सरल रेखा खींचना है। तो देखिए, सबसे पहले पांच सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। ध्यान देते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। यहां पर जीरो पर पॉइंट दिए और ये 5 सेंटीमीटर पर पॉइंट दिए, ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। ये हो गया पी और क्यू, ये एक सरल रेखाखंड हुआ। इसके बाहर हम कहीं भी एक बिंदु A लेते हैं, ये बिंदु A हो गया। इस बिंदु A से PQ के समानांतर एक सरल रेखा खींचना है। इसके लिए क्या करेंगे, A को PQ के साथ तिरछा मिलाएंगे। ये तिरछा मिला दिए। अब अपने कंपास लेंगे और इसको थोड़ा फैलाएंगे। ये देख रहे हैं, थोड़ा सा फैलाएंगे, बहुत छोटा नहीं करना है। बहुत छोटा होने से आप चित्र नहीं बना पाएंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, इतना फैलाए हैं। ये बिंदु यदि ज़्यादा दूर लिए रहते तब इसको हम ज़्यादा फैला सकते थे। यहाँ ये बिंदु ज़्यादा दूर नहीं लिए हैं, इसलिए इसको मीडियम साइज में फैलाएंगे। ये फैल गया। अब जितना बड़ा कोण यहाँ P पर इधर है, उतना ही बड़ा कोण A पर उल्टा साइड में बनाएंगे, यानी एकांतर कोण को बराबर बनाएंगे। जब एकांतर कोण बराबर होगा तो A बिंदु से खींची गई रेखाखंड PQ के समानांतर होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये A से खींची गई रेखाखंड PQ से जहाँ मिलती है वहाँ पर ये कंपास का नीडल रखेंगे और ये एक चाप खींचे। देख रहे हैं कैसे चाप खींचा गया। इतना ही बड़ा चाप, कॉपी को आप घुमा सकते हैं, बिंदु A पर उल्टा साइड से खींचेंगे। दोनों चाप बराबर है। अब ये जो चाप का दूरी है, यानी यहाँ एक नाम दे देते हैं AB। A को PQ से मिलाए, जिस बिंदु पर A से जाने वाली रेखाखंड PQ से मिल रही है इसका नाम दिए B। तो B पर एक कोण बनाना है। यहाँ से यहाँ तक जितना बड़ा कोण है उतना ही बड़ा कोण बिंदु A पर बनाएंगे। तो पहले B बिंदु पर एक चाप खींचे, इतना ही बड़ा चाप बिंदु A पर खींचे ऊपर की ओर। अब ये बिंदु B पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको कंपास से मापेंगे। किससे मापेंगे, कंपास से। देखिए ये मैं माप रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये हो गया, ये नाप लिए
अब इतना ही बड़ा चाप बिंदु ए पर जो चाप खींचे हैं, चाप जहां से स्टार्ट हो रहा है इस बिंदु से ध्यान देंगे, यहां से ऐसे खींचेंगे। अब हमें एक कटान बिंदु मिला, बिंदु ए को इस कटान बिंदु से मिलाएंगे। इस रेखाखंड का नाम देंगे एम एन, यहां लिखेंगे एम एन पैरेलल टू पी क्यू। एक बार और देखिए तब ज्यादा समझ में आएगा। इसी को मैं एक बार फिर से बना रहा हूं, ध्यान देंगे। ये 5 सेंटीमीटर 0 से 5, 1 से 5 नहीं लेंगे, ध्यान देना है। यहां 0 पर पॉइंट दिए और ये 5 पर पॉइंट दिए, दोनों को मिलाए, इसका नाम दिए पी क्यू। इसके बाहर थोड़ा दूर पर ले रहे हैं बिंदु ए, ये समझने में ज्यादा सुविधा होगा। अब ए से एक रेखाखंड पी क्यू तक खींचेंगे, यहां नाम दिए बी, बी बिंदु पर एक चाप खींचेंगे। अब इस कंपास को हम बड़ा कर सकते हैं क्योंकि ए ज्यादा दूर हो गया। अब कंपास को फैलाए, बी बिंदु पर इसको सेट किए, बी पर एक चाप खींचे, ठीक है, बी पर एक चाप खींचे। इतना ही बड़ा चाप बिंदु ए पर उल्टा साइड में खींचेंगे। देखिए यहां पर दाहिने साइड है तो यहां पर बाएं साइड, बी पर दाहिने साइड चाप खींचे हैं तो ए पर बाएं साइड उल्टा साइड में। अब बी पर जो कोण बना है इसको मापेंगे। देखिए ये माप रहे हैं, ये माप लिए। इतना ही बड़ा चाप, ये ए पर जो चाप खींचा गया है, ये चाप जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां से एक चाप खींचेंगे। तो निडिल कहां रखे सो देखिए, और पेंसिल कहां जा रहा है सो देखिए, सारा काम पेंसिल से करना है, डार्क पेंसिल रहे तो अच्छा है। अब यहां जो एक कटान बिंदु मिला, इस बिंदु को स्केल की सहायता से ए से मिलाएंगे। ये जो नया रेखाखंड बना इसका नाम एम एन। अब यहां ध्यान दो, ये कोण, यदि ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, ये एकांतर कोण है, दोनों कोण बराबर है। जब एकांतर कोण बराबर हो तो ये एम एन और पी क्यू दोनों समानांतर होगा। यहां हम लिखेंगे एम एन पैरेलल टू पी क्यू, यही हो गया हमारा आज का कंस्ट्रक्शन। एक और कंस्ट्रक्शन मैं दूंगा थोड़ी देर में, और इसको पहले मैं सेंड करूंगा, इसको देखकर आप लोग बनाइए, फिर मैं दूसरा कंस्ट्रक्शन दूंगा।